वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल नर्सिंग टू नॉर्थ सेट आई होप यू ऑल डूइंग वेल और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर बी एस सी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर अच्छे से चल रही होगी और उस प्रिपरेशन को और एनहांस करने के लिए हम लेके आए हैं अपने नाइन्टी डेज सीरीज में आज का सेकेंड डे यानी हम डे टू लेके आए हैं उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लेवरिंग प्लांट्स यानी कि बायो के इम्पॉर्टेंट गोल्डन एमसीक्यूज़ तो ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी नाइन्टी डेज सीरीज़ करके यानी आपकी नाइन्टी डेज नाइन्टी क्लासेस होंगी सीरीज़ को लेके जिसमें आपके क्वेश्चन रिएक्शन फॉर्मूले कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं हम तो आज इस सीरीज़ में हमारा डे टू है और डे टू में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ सी हैं ठीक है तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन सीरीज और सबका आंसर आए और प्रॉपर आंसर आए सही सोच समझ के आंसर करो गलत आंसर बिल्कुल भी नहीं देना है तो यहाँ आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर है मैच द फॉलोइंग एंड चूज अ करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मैंने मैचिंग का इसलिए डाला है क्योंकि हमेशा जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा फाइनल क्वेश्चन पेपर उसमें आपके मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से होते हैं और मैचिंग वाले क्वेश्चन देने का एक और यहां पे मोटिव होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक टॉपिक जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर में पूछा है मैच द द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन पे एक ग्रुप ए है और ग्रुप बी है आपको सबको दिख रहा है एक साइड लिखा हुआ है और आपको सेलेक्ट करना है सेकेंड वाला जो इससे मैच कर रहा हो ठीक है तो यहाँ पे नंबर वन है एल्यूरोन लेयर ठीक है सेकेंड है पार्थिनो कार्पिक फ्रूट

ओव्यूल का जो काम है जो ओव्यूल है वो सीड होता है आपका एल्यूरोन लेयर जो होती है वो आपकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कब बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो इससे मैचिंग करने वाला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर टू तो यहाँ पे राइट आंसर है बी ठीक है चल एम्स बी एस सी नर्सिंग एवीपीएमयू पी एम यू आर यू एच एस पी जी आई एंड ऑल अदर स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम और जैसा कि आप सभी को पता है हमारे टेस्ट सीरीज़ में आपको देखने को मिलते हैं प्लस प्लस चैप्टर टेस्ट, सो टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है और लिमिटेड भी है सो प्लीज डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी एंड ज्वाइन द टेस्ट सीरीज नाउ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन पे तो ये भी आपका सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास चार लेबलिंग की गई है ए बी सी डी आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे ए क्या है बी क्या है सी क्या है डी क्या है और ये आंसर ऐसे टाइप के आप तभी कर सकते हो जब आपको फिगर वाले क्वेश्चन के सारे लेबल्स याद होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी सी डी आपको चारों ऑप्शंस में से राइट right आंसर क्लिक करना है कि यहाँ पे राइट आंसर क्या है ठीक है तो जैसा कि आप जानते हो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा होता है यहाँ पर रेडिकल ठीक है ये जो आपको इंटरनल दिख रहा है जिसकी लेबलिंग नहीं की है इसको हम कहते हैं प्लूम्यूल जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये है, है हमारा एंडोस्पर्म ठीक है अब बात करते हैं नेक्स्ट की अब आपको फाइंड आउट करना है कि बी तो मैंने बता दिया आपको रेडिकल है बाकी यहाँ पे सी ए और डी तो ए यहाँ पे होता है आपका कॉल्यूब सेम इसी तरह जो सी है वो होता है आपका कॉलोराइजा ठीक है और डी ऑप्शन है आपका है स्क्यूटेलम तो ऐसे ऑप्शन वाला जो भी आपको ऑप्शन दिखे वही आपका क्या होगा राइट ऑप्शन होगा ठीक है तो यहाँ पे आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है आपका फिर से अगेन आपका जो राइट आंसर है वो है बी यहाँ पे देख सकते आपको ए जो है उसका सेकेंड ऑप्शन है तो सेकंड में यहाँ पे जो आप ऊपर स्क्रॉल करो तो सेकंड ऑप्शन है आपका कॉल्यूब टाइल तो जैसे मैंने बताया था कॉल्यूब जो है ए जो है वो कॉल्युब है बी आपका रेडिकल है सी आपका कॉलराइजर है और डी आपका है स्क्यूटेलम ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर विच लेयर ऑफ कोकोनट इज फाइब्रस तो आपके पास चार ऑप्शन है और उन्होंने पूछा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सी लेयर है जो कोकोनट की फाइबरस होती है यहाँ पे ऑप्शन है एपिकार्प एंडोकार्प मीजोकार्प एंड पेरिकार्प और आई वॉन्ट यू टू तो गिव आंसर ओके तो यहाँ आपका राइट आंसर है मीजोकार्प जो आपका कोकोनट की जो फाइवरस लेयर होती है वो किसकी बनी होती है वो मीजोकार्प की बनी होती है ठीक है इसी तरह अगर आपको आपसे मैंगो का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अभी यहाँ पे मैंगो में तो मैंगो में भी आपको पता होना चाहिए कि जो लेबलिंग है उन्हें क्या क्या नाम दिया गया है ठीक है ओके तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रू फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम तो आपको बताना जो ड्रुप होता है वो चार ऑप्शन है और आपको बताना है उनमें से किस में से डेवलप होता है ठीक है तो यहां आपके पास चार ऑप्शन दिख रहे हैं मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज एंड वन सीडेड मोनोकार्पेलरी इंफीरियर ओवरीज एंड आर मेनी सीडेड मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर सीडेड जो ड्रुप होता है ना वो याद रखना है ठीक है तो मोनो कार्पेलरी आपके पास तीन ऑप्शन जो ड्रूप होता है ना वो ओनली वन सीडेड होता है तो यहाँ पे सिर्फ वाला ऑप्शन है ए तो राइट आंसर होगा आपका ए बाकी सारे आपके गलत है ठीक है एग्जाम्पल क्या है ठीक है तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ओके इन डैश प्लेसेंटेशन अ मोनोकार्पिलरी ओवरी बियर्स अ सिंगल लॉन्गिट्यूडनल ओव्यूल अलोंग द जंक्शन ऑफ टू फ्यूज्ड मार्जिन तो यहाँ पे क्वेश्चन है प्लेसेंटेशन से कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है उसकी प्लेसेंटेशन कैसी है इस बेसिस पे आपका क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन पूछा गया है आपके सामने दिख रहा है ऑप्शन है हमारे पास एक्साइल पेराइटल फ्री सेंट्रल और मार्जिनल ठीक है तो ये सारे टाइप के जितने भी प्लेसेंटेशन है ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए कि किस प्रेजेंटेशन में किस टाइप की अरेंजमेंट होती है तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे आंसर होगा इट विल बी मार्जिनल जो आपका पी प्लांट होता है उसमें भी क्या होते हैं मार्जिनल होते हैं ठीक है तो यहाँ पे राइट right आंसर होगा मार्जिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं है. आपको, है, आपको बताना है ये किस टाइप की वेरी गुड तो जिन लोगों ने आंसर दे रहे हैं और जिन्हें नहीं पता है फिगर जाओ एनसीआरटी खोलो इसमें टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन है आपको फिगर भी याद होनी चाहिए कि किस टाइप का दिखता है साथ में उसके डिफिनेशन भी याद होनी चाहिए कि इस टाइप के प्रेजेंटेशन में यह होता है ठीक है तो ये प्रेजेंटेशन है ऑप्शन है आपके पास मार्जिनल एग्जाइल पेराइटल एंड बेजिल एंड राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे आपके पास एग्जाइल ठीक है चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डाला है इफ द गाइनोसियम इज प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द देन द फ्लार इज रेफर्ड टू आज क्वेश्चन वेरी सिंपल है अगर आपके थैलेमिस जो गाइनोशियम है वो आपका थैलेमिस से ऊपर है तो उस टाइप के फ्लार को हम क्या कहते हैं ठीक है हमारे पास तीन टाइप के फ्लार होते हैं हाइपोगानस पेरीगानस एंड एपीगानस आपको उसको ऑप्शन बताना है कि कौन सा इसमें से राइट आंसर है और क्योंकि जो थैलेमिस वाला पोर्शन है इसमें थेलेमस जो है वो आपका ओवरी से बिलो है यानी ओवरी आपके ऊपर है और थैलेमिस तो आपसे क्वेश्चन इस टाइप के फ्लावर को कहते हैं हम हाइपोगाइनस ठीक है 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 में क्या होता है? आपकी ओवरी नीचे होती है और हाइपोगा ऊपर होता है और पेरीगाइनस में क्या होता है दोनों का लेवल जो होता है वो होता है सेम ठीक है आई होप कि आपको ये वाली चीज बिल्कुल क्लियर हो गई हो ओके okay, अगेन एक क्वेश्चन है आपका फिगर बेस्ड या इमेज बेस्ड क्वेश्चन है एनसीआरटी का एज इट इज डायग्राम आपके सामने है और ये है आपकी वेक्सिलरी एस्टिवेशन यहाँ पे आपको बताना है कि P, Q और R इन्हें हम क्या कहते हैं तो डायग्राम बिल्कुल आपके सामने है P, Q, R है आपको पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे लेकिन राइट आंसर वही होगा जो राइट है तो बिना ऑप्शन देखिए अगर आपको इसका आंसर आता है तो इसका मतलब आपके प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है यहां पे हम देखते हैं जो पी है ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड ठीक है जो क्यू आपके पास इधर साइड से लग रहा है दिस इज योर विंग और जो लास्ट ऑप्शन है दिस इज कील तो अगर ऐसा मिलता जुलता कोई ऑप्शन है तो वो होगा हमारा राइट right आंसर तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी तो डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 18 को स्किप करते हैं क्योंकि ये incomplete question है. Question number 19 पे देखते हैं. Spines present on the of Represent. तो जो स्पाइन प्रेजेंट होते हैं अपंशिया पे वो क्या होता है स्टेम होता है लीव्स होता है बर्ड्स होते हैं या पिटियोल होते हैं और इसका आंसर है आंसर इज लीव्स जो आपकी जो स्पाइन होती है ना वो किसकी मॉडिफिकेशन होती है लीव्स की मॉडिफिकेशन होती है ठीक है और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो फोटोसिंथेसिस है वो किससे होता है तो दैट इज फ्रॉम स्टेम ओके तो क्वेश्चन नंबर आते हैं ट्वेंटी पे ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट्स इन गार्लिक एंड अनियन आर एडिबल तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है आपको सेलेक्ट करना है कि गार्लिक और अनियन इनके कौन सा पार्ट्स है जो एडिबल होता है एडवेंटिशियस रूट्स फ्लैशी स्केल लीव फाइबरस रूट या नीज एंड चलते हैं क्वेश्चन इन पिक्चर प्लांट तो पिक्चर प्लांट्स में जो पिक्चर होता है क्वेश्चन है कि वो किस प्लांट पार्ट की मोडिफिकेशन है यहां पर भी आपके पास चार ऑप्शन है रूट स्टेम लीफ एंड फ्लार तो आपको सिलेक्ट करना है इसमें से राइट right आंसर क्या होगा तो जो पिक्चर प्लान का पिक्चर होता है वो होती है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू फिर से आगे आपका अपंशिया का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया है तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी इन अपंशिया द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय तो राइट right आंसर आप सभी को पता है कमेंट सेक्शन में बता देना नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पे आपको बताना चार ऑप्शन है इसमें से कौन सी स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है और अगर किसी ने ध्यान से क्लास सुनी होगी तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर बताया था और वही सेम यहाँ पे अप्लाई करना है आपको स्टेम मॉडिफिकेशन कौन सी इसमें से नहीं है ठीक है चार ऑप्शन है टेंड्रिल्स ऑफ अकुम्बर फ्लैट एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ पंशिया पिक्चर ऑफ सिट्रस एंड द राइट आंसर इज़ पिक्चर ऑफ नेपेंथिस क्योंकि मैंने बताया है ये एक लीफ की मॉडिफिकेशन है अदर थ्री आर मोडिफिकेशन ऑफ स्टेम बट पिक्चर ऑफ नेपेंथिस जिस स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है वो क्या है लीफ मॉडिफिकेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पर चलते हैं मैच द फॉलोइंग फिर से आ आगे एक मैचिंग का क्वेश्चन और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है अगर आप इसको ध्यान से करो तो एक तरफ आपके पास प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं और दूसरी जगह उनकी फंक्शन है आपको मैच करना है राइट आंसर के साथ ठीक है तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा थॉन्स का इनमें से क्या फंक्शन है थॉन्स का काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए स्टिल जो होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं देन आपके पास बाकी के दो ऑप्शन बच गए फाइब्रस रूट्स एंड ट्यूबरस रूट्स ट्यूबरस रूट्स का मेनली फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड को लेके तो राइट और फाइब्रस का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड बेनर तो इससे रिलेटेड आपका जो भी ऑप्शन सही है दैट विल बी योर राइट आंसर ठीक है चलते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्थ में एडिबल रूट्स आर फाउंड इन चार ऑप्शन है राइस व्हीट पटैटो स्वीट पटैटो आपको बताना इसमें से एडिबल रूट्स किस में पाए जाते हैं अगर बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होगी कि रूट जो है ना पटैटो भी एक रूट होता है ये गलत है पोटैटो इज नॉट अ रूट इट इज स्टेम बिकॉज पोटैटो के ऊपर पाए जाते हैं और ये है stem तो right हो potato, तो होता है आपके में। तो होगा स्वीट पोटैटो बिकॉज स्वीट पोटैटो इज अ रूट तो एडिबल रूट होता है स्वीट पोटैटो तो राइट ऑप्शन इज डी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिसमैच्ड पेयर यहां पे ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्लियरली है कि आपको सिलेक्ट करना है मिस मैच्ड पेयर यानी कि जो गलत मैच कर रखा है चार ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है जल्दी से बता दो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो रॉन्ग मैचिंग है टैप रूट सिस्टम होता है मस्टर्ड में ठीक है फाइब्रस रूट सिस्टम होता है मोनोकॉट्स में प्रॉप होते हैं राइजोफोरा में और स्टिल ट्रूट्स होते हैं शुगर केन में अब मैं बताती हूँ स्टिल रूट जो है शुगर केन में वेरी गुड सही है फाइबरस फाइबर जो होते हैं हमारा मोनोकॉट में होता है टाप रूट का मतलब है एक सिंगल रूट पहले निकलेगी एंड देन उसकी ब्रांचेस होंगी और उससे बहुत सारे रूट हेयर्स निकलेंगे ठीक है दैट इज यूट फाइब्रस रूट में क्या होता है एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन से डिफरेंट डिफरेंट रूट हेयर्स

फोर्स होते हैं। तो यहां पे राइट जो गलत पेयर है वो है आपका सी ठीक है दो कॉलम हैलम टू कॉलम, कॉलम, तू, कॉलम, तू, कॉलम में बहुत सारे के हैं। आपको उसको मैच करना है सेकंड कॉलम से जिसमें उसको इलाबोरेट किया गया ठीक है तो देख लेते हैं मैचिंग ट्वेंटी सेवन में वेजिटेटिव बर्ड्स फ्लोरल बर्ड्स एक्सिलरी बर्ड्स और एक्सेसरी बर्ड्स तो कोई भी दो से तीन मैचिंग सही अगर आपको आती है तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही पुट कर सकते हैं ठीक है तो जो फ्लोरल बर्ड्स होते हैं वो मेनली किस में एक्ट करते हैं आपके रिप्रोडक्शन में तो रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव बर्ड्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स तो वो होते हैं हमारे फ्लावर फ्लोरल बर्ड्स एक्सिलरी बर्ड्स जो होते हैं वो आपके एक्सियल पे पाए जाते हैं ठीक okay. है ओके नेक्स्ट हमारे वेजिटेटिव बर्ड्स वेजिटेटिव बर्ड्स वो होते हैं जो आपके लीफी शूट्स को

स्टीमन अटैच्ड टू पेरियंथ इस पे एक बड़ी क्वारी है फ्री स्टेमेंट्स को पॉलियंट्रस कहते हैं ये भी बिल्कुल राइट आंसर है जो स्टेमेंट पेरियंथ से अटैच होते हैं उन्हें हम कहते हैं एपीफाइलस जिनको पता था वेरी गुड जिनको नहीं पता वो अपना जान लो इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है ओके चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहां पे फिर से आगे मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये एक क्वेश्चन आता है आपका मैंगो को लेके कर यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स है आपको सेलेक्ट करना है कि राइट right आंसर यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं एपी कार्प मीज़ोकार्प एंड एंडोकार्प ठीक है दिस विल बी योर एपिकार्प बाहर है सबसे बी होगा आपका मीज़ोकार्प सी होगा आपका एंडोकार्प और डी जो ये बीच में होता है दिस इज नोन एज सबको पता है क्या ये एक सीड है ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास चार ऑप्शन है राइट आंसर दे देना थर्टी क्वेश्चन है एन एंडोस्पमिक सीड्स फूड इज स्टोर्ड इन जो एक एंडोस्पम का सीड होता है उसमें फूड कहाँ स्टोर होता है फूड विल बी स्टोर्ड इन एंडोस्पम एंड इन नॉन एंडोस्पमिक सीड्स फूड इज स्टोर्ड इन अगर जो नॉन एंडोस्पम्पिक जो सीड्स होते हैं उसमें जो फूड होता है वो कहाँ स्टोर होता है क्वारिलेड में तो राइट right आंसर कौन सा होगा एंडोस्पम एंड क्वारिलेडन ए इज द राइट आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी फर्स्ट पे चलते हैं रेफर टू तो द गिवन फिगर शोइंग डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ डाइक एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एनी ऑफ द लेबल्ड पार्ट तो पे आपके पास दो फिगर है और लेबलिंग की गई है आपको बताना है कि सही मैचिंग क्या है सही मैचिंग से पहले आपको इनके पोर्शंस आने चाहिए तो यहाँ पे आपको जो डी दिख रहा है ये क्या है आपके कॉडिलीडेंस है यहाँ पे दो कॉटिलेडेंस हैं यानी ये कौन सा प्लांट है प्लांट ये भी आपके क्या है, है. E जो है ये आपका शूटी पार्ट है दिस इज नोन एज प्लूम्यूल एफ जो है वो रूट वाला है तो उसको हम कहते हैं रेडिकल बी जो यहाँ पे दिख रहा है ये इससे कहा जाता है हाईलम तो इस मैचिंग का जो भी आपको ऑप्शन दिखे दैट विल बी योर राइट आंसर और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं थर्टी सेकेंड क्वेश्चन सेलेक्ट द मिस मास्ट पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग ओके तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जो मिस मास्ट पेयर है बेरी ब्रिंजिल तो ब्रिंजिल के फ्रूट को हम बेरी कहते हैं कैप्स्यूल कहते हैं स्पेरेगस में ये भी ठीक है कोकोनट में ड्रूप होता है और मैंगी फेरा में लिखा हुआ है पोम पोम इज़ नॉट मैंगी फेरा जो होता है वो पोम नहीं होता वो होता है ड्रूप ठीक है तो यहाँ पे जो राइट right ऑप्शन है जो रॉन्गली मैच है वो है आपका पोम ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पर चलते हैं दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन रूट्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड और ये बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे नेक्स्ट चलते हैं थर्टी फोर्थ लास्ट क्वेश्चन वेनेशन इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ठीक है Fourth, of of. जो लीफ में वेनेशन होती है तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है कि उस पैटर्न जो पैटर्न होता है वो किसकी अरेंजमेंट होती है like, एक तो हमारी अरेंजमेंट है और, और एक होती है हमारी लीव की अरेंजमेंट जिसमें होती है पैरेलल वेनेशन ठीक है ये होती है आपकी रेटिकुलेट वेनेशन और ये होती है आपकी पैरेलल वेनेशन तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे वेनेशन मोनोकॉट में पाई जाती है या फिर डायकॉट में ठीक है तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा है जो ये वेनेशन है ये किसकी अरेंजमेंट होती है तो ये अरेंजमेंट होती है आपके वेन्स और वेनलेट्स की तो दिस इज योर वेन्स और ये आपकी वेनलेट्स होती हैं जो उनकी ब्रांचेस होती हैं तो यहाँ पे राइट right आंसर आपको दिख रहा होगा सी इज द राइट आंसर वेन्स एंड वेनलेट्स इन अ लेमिना तो ये हमारा डे टू का सीरीज सेकेंड डे नेक्स्ट धीरे धीरे जैसे ही डेज कम आपके पास आते रहेंगे हम धीरे धीरे अपने 90 डेज़ का जो सेशन है वो कंप्लीट कर लेंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको डे थ्री में किस क्लास के ऊपर टॉपिक चाहिए क्वेश्चन चाहिए ठीक है